What's up guys, welcome back to my channel. बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं दिख रही है बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो उसके लिए तो टेंशन मत लीजिए. मैंने चेक कर लिया, जब मैंने फॉर्म भरा था पहले फॉर्म भर की डाली थी उसमें सब यूनिवर्सिटीज दिख रही थी. अभी आ रहे हैं ग्लिचेस, जो कि बात पक्की हो गई है हर बच्चे को जिसको भी फॉर्म में नहीं दिख रही चीज, जिनने फॉर्म भर दिया उनको वहां एप्लीकेशन में नहीं दिख रही है. टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप यूनिवर्सिटीज वापस दिखने लग जाएंगी. अभी कुछ ग्लिचेस है, मैंने कहा ग्लिचेस आते हैं, तो सीवीटी फॉर्म के जो मिस्टेक्स जो ग्लिचेस हैं वो सब तो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. बात करें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की जिनमें आपको ऑप्ट जरूर करना चाहिए. नंबर 1 पे हमेशा से आती रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि हर कोई बोलता आ रहा है, मैं खुद दिल्ली में ही रहता हूं, मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, वहां की प्लेसमेंट्स, बच्चों को यूजी कोर्सेज के बाद डायरेक्टली प्लेसमेंट्स भी मिलती है, जो कि बड़ी बात है. यूजी लेवल के कोर्सेज में प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा होती नहीं है, बट यहां मिल रही है, तो ये काफी बड़ी बात है. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप प्रायोरिटी रखना, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दिल्ली आकर पढ़ना तो जरूर दिल्ली को चुनिएगा और यहां पर आइए, यहां पर पढ़िए. आपको हॉस्टल चार्जेस थोड़े ज्यादा लगेंगे, बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है बहुत सस्ती, बहुत मिनिमम चार्जेस लेती है और बेस्ट एजुकेशन देती है. सेकंड पे मैं रखना चाहूंगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया को और बीएचयू को, मतलब ये सिमिलर रहेंगे दोनों, बिकॉज बीएचयू बनारस में है, मतलब वो दिल्ली में नहीं है, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में है. तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, जो आपको नियर अबाउट पड़े आप वहां जगह अप्लाई करें. अगर दिल्ली नियर पड़ता है और सस्ता पड़ता है, देखो जामिया में हॉस्टल उनके अपने होते हैं, वो सस्ते होते हैं, डीयू से सस्ते हॉस्टल है, डीयू से बहुत सस्ते हॉस्टल है, तो जामिया थोड़ा सस्ता पड़ रहा है पढ़ाई के लिए और बहुत अच्छी पढ़ाई है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन पढ़ाई सब कुछ आपको मिलेगा, फैकल्टी प्लेसमेंट सब बड़ा प्यारा है. तो डीयू के बाद अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं भी रहते हो आपको पढ़ना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो जामिया को चुनिए, वरना आप बीएचयू के आगे तो बीएचयू को पढ़िए. फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं जेएनयू और एएमयू के लिए भी, लेकिन टॉप 3 में जो होगा, टॉप जो है, जो आपका टारगेट और जिनके लिए आपको मेहनत करनी है, वो टॉप आपके होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया और बीएचयू. इन टॉप 3 को टारगेट करना है कि हाँ हमें इनमें से कोई कॉलेज चाहिए. अगर ये नहीं मिलता तो बैकअप यूनिवर्सिटीज कौन सी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाकर लाऊंगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि उन बैकअप यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बता सकूं. हर कोई टॉप नहीं कर रहा होगा ना सीवीटी में, कुछ मीडियोकर स्टूडेंट्स होंगे, कुछ बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको यूनिवर्सिटी चाहिए, सबके लिए मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, डोंट वरी. और आज से चैनल पे मैथ्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो उसके चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, क्वांट्स में सबकी हेल्प करने वाला हूं मैं. और जनरल टेस्ट की सीरीज मैंने ऑलरेडी डाल दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर लीजिए, कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा, कब ग्लिचेस ठीक होंगे मैं बताऊंगा. ओके गाइस, ऑल द बेस्ट.